ग्रंथ साहिब कृपालू सतगुरु की बाणी पढ़ के जो ये समझ पैंदी भी बलकारी पुर अपने त्योकारी सदवा गुरु नजर करे ते जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी बार अत चक्कन दे समय दे अंदर मनुख दे अंदर को मेरा दाता सतगुरु पूर्ण वैरी गुण भर दे। पुछिए सतगुरु हर एक दे अंदर को दात क्यों है ये प्रकाश बाबा जी किवें ते भाई गुरदास जी का मैं एक कवित आप संगत नाल केवल साझा करना भाई साहब जी दे भाई गुरदास जी 235 नंबर कवित अंदर उहदे बारे जिक्र करदे हैं। भाई गुरदास जी कहिंदे ने जिस तरीके दे नाल साडा मन कोई अश्लील तस्वीर वेखदा है ते उस तस्वीर दे अंदर गुज गुज गुजा हो के उहदे अंदर जुड़ जांदा है केवल एक बार ये दीदे उस तस्वीर नूं तकदे ने ते इन्नी भूखिच दे नाल अंदरों मन ने उस तस्वीर नूं अंदर उसा लिया है तकना नेत्रां ते उस अश्लील तस्वीर नूं केवल एक बार तकिया है पर की कारण एक बार तकी कोई तस्वीर सदियां तक बंदे दे अंदरों विसरी नहीं तकिया एक बार कहें पर असल विच नेत्रां ने झलक लई है मन दे अंदर वो तस्वीर बस चुकी। भाई गुरदास कहिंदे ने उत्थे भावें किते गुरु की हजूरी दे अंदर भी बैठा होए कन्ना नाल गुरु दियां बातां सुनदा होएगा पर जे किते इन्हां नेत्रां अंदर कोई सोहना तन रूप वस जाए ते इन्नी कु समर्था इहदे शरीर अंदर मन अंदर कहे गुरु दी बात नूं तां तन कादर करके सुनदा पिया है पर इन्हां दीदियां दे नाल तक्की कोई तस्वीर सदियां लई इहदे अंदर वस जांदी तक्किया केवल एक झलक कहे पर मन जुड़िया। भाई गुरदास जी कहिंदे ने मन पराए तन नूं तकदा है पराए तन नूं किस दृष्टि नाल वेखदा है ओह कदी अंदरों भुलिया नहीं पर मेरे गुरु मना सच इह वे कदी इन्नी कु गौर दे नाल तू गुरु नूं वेखिया ही नहीं जिस मन दे नाल अश्लील तस्वीर ते पराए तन ते तन नूं तकिया ही जे उसे तरह एकाग्रता नाल किते गुरु दी बात जां सतगुरु दे दीदार कर ले। भाई बाबा भगत कबीर जी कहिंदे ने भूली मालनी कै इहो सतगुरु जागता कै देव गुरु ते जागदा ए पर चेते रखी जागदे कोल बैठ के प्रकाश उहनां लिया जिन्हां ने नींद नूं त्यागे। भाई बाबा कबीर जी का एक श्लोक भी आंदा है भगत कबीर जी कहिंदे ने कबीर रात कथूरी वंडियां है सुतियां मिलै ना पाओ इत्थे पाओ का अर्थ वैसे बाणी विच प्रेम भी आया है पर इत्थे पाओ का अर्थ है किसा। भाई बाबा कबीर इंद्र नूं त्यागिया है गुरु जागदा है ते जागदे कोल बैठ के जिन्हां ने नींद नूं त्यागिया दात उहनां दी झोली विच पई पई कबीर रात कथूरी वंडियां है सुतियां मिलै ना पाओ जिन्ना नैन निंद राव ले तिन्ना मिलन कवाओ। मैं बेनती कर रहा सर भाई गुरदास जी का वचन भाई साहब पहली उदाहरण देंदे ने किन्न जिवें पराए तन अंदर पराए तन के अंदर मन जुड़दा है कभी गुरु चरण विच बैठ के सतगुरु के चरणों में तेरा मन इस तरह जुड़िया नहीं हैगा प्रकाश कितों मिल दया कितों कोई नहीं। भाई साहब ने दूसरा वचन उचारिया मैं बेनती करा बैठना माड़ी बात नहीं भागा वाला कोई गुरु के चरणों में आके बैठ के वेखी क्योंकि इस दर विचों तेन खैर पैनी। भाई गुरदास जी ने दूसरी उदाहरण दिती किन्न ने कोई सिखदार चौधरी नजर आंदा कोई तेन नेता दिसदा है ते पता नहीं किन्ना तू आपा भुला के उहदी सेवा विच जुड़ जाना है दूरों उहदे चरणां नूं पकड़ लैना है मन चित एकाग्र करके उहदी सेवा करना भी किते मैनूं मेरी तस्वीर नूं इह नेत्रां विच विसा ले किते कल नूं मैनूं इहदी लोड़ पए ते मैनूं भुल ना जावे चेते रखे भी मैं एक दिन तेरी सेवा कीती है मैं तेरे चरण परसे। भाई साहब कहिंदे ने किसी सिखदार चौधरी की मन ला के आपा भुला के मना चाकरी करना है जो गुरु की सेवा करना है असल विच गुरु सेवा विच तेरा मन उदों भी हाजिर नहीं होता। भाई साहब ने तीसरी उदाहरण दी भाई गुरदास जी कहिंदे ने किरत विरत करना है कारोबार अंदर अपना मन टिकाना है ये गल मेरे गुरु हरगोबिंद साहब ने दो बचन साहब के जीवन में पढ़ी दे दो तीन सिख इकट्ठे होके आए ने हाथ जोड़े सतगुरु जी छेवें गुरु नानक बाबा जी एक कृपा करो
बाणी पढ़ी दिए शब्द सुनी दे मन नहीं जुड़िया, मन एकाग्र नहीं हुंदा। जिन्ना पढ़ी दा कदी मन टिकिया ही नहीं। ते मेरे गुरु हरगोबिंद साहिब पुछदे ने काम की करदे। एक बोलिया बाबा जिमीदारा किसान हां खेती करना वा। दूजा बोलिया कहिंदा बाबा दुकानदारा। तीसरा बोलिया कहिंदा बाबा व्यापारियां। पता नहीं रात कित्थे पए दिन कित्थे बतीत होना है। अज इस थां ते कल उस थां ते रोज अपना व्यापार करन विच दिन जांदे निकल जाई। बाबा जी कहिंदे ने तिन्ने किरत करदे तिन्ने खां। ते गुरु हरगोबिंद साहिब कहिंदे ने कल तो तिन्ने तुसी अपने घर बह जाए। बेनती कर रहा वा गुरु दया करदा है। सतगुरु दे घर अंदर दयालता है पर की साडे ते ओ रहम क्यों नहीं। भाई साहब जी दे शब्द मेरे धन गुरु हरगोबिंद साहिब कहिंदे ने कल नूं किन्ने घर बैठे हो। जिहड़ा पहला कहिंदा सी मैं जिमीदारा करना ओ पुकार उठिया बाबा ना कल नूं खेत विच ना जावांगा। पता नहीं लगना केड़े खेत विच पानी लाना है केड़ा सुकदा पिया है। हालांकि भावे मेरे नौकर नहीं पर जिन्नी देर तक खुद ना गया खेत ते जान बिना मेरा एक पल भी सरना नहीं। क्योंकि किरती ए वे खेती करांगा अज बीजांगा कल नूं वढांगा तां परिवार दा पेट भरना है। दातिया दे खेत ते ना गया ते परिवार भुखा मर जाए। दूसरा बोलिया कहिंदा बाबा कल नूं दुकान ते ना गया पता नहीं सारा दिन मेरा किवें बतीत होना है। कल दुकान ते ना गया परिवार दा गुजारा केवल इहदे ते निर्भर है। कल दी किरत बंद कर दित्ते ते बाबा परिवार दा पेट भी भुखा लै। तीसरा बोलिया है कहिंदा दतार मेरा ते काम ही अज इत्थे कल उत्थे व्यापार दा है। जे कल ही घर बैठ गया व्यापार ना कीता दस मेरी किरत दा मेरे परिवार दा की करना है। तिन्ने इक्को जबान विच उठे कहिंदे बाबा साडा इस धंधे बिना गुजारा नहीं। हजूर कहिंदे ने सच कहे जो तुसां सवाल कीता सी उहदा जवाब मिल गया। तुसीं कहिंदे हो मन नूं टिकिया पर मैं इक बेनती करां मेरे गुरु हरगोबिंद साहिब कहिंदे ने किरत करना तुहाडी जरूरत है ते इस जुगते उहदी सब तों वड्डी जरूरत है। रात नूं सौण तों पहलां पेट भरना है। मंगदा है भीख मंगदा है दर दर दीआं ठोकरां खांदा है गावां खांदा है झिड़कां खांदा है पर उहनूं वी पता है मैं पेट ना भरांगा मौत दे उहदा गुजारा उहदी जरूरत पेट नूं भरना है। भाई साहिब कहिंदे ने सवेरे मंगण तुरदा है शाम नूं रात सौण तों पहलां इक मंगण वाला भिखारी वी पेट भर के सुता है। उहदी जरूरत है ते गावां खा के झिड़कां खा के ठोकरां खा के रात सौण तों पहलां उह जरूरत पूरी करके सौंदा है। भाई साहिब कहिंदे ने जदों बंदे की जरूरत सामने होए ते हर हाल विच इंसान अपनी जरूरत नूं पूरियां करदा है। मेरे धन गुरु हरगोबिंद साहिब कहिंदे ने किरत तुहाडी जरूरत है ते इस जरूरत नूं तुसीं पूरियां करदे हो। सच इह है गुरु ते गुरु की बाणी नूं किसे ने अज तक अपनी निजी जरूरत समझे खिमा चाहवांगा रीत है प्रीत नहीं। भाई साहिब कहिंदे ने सच इह है जिवें तेरा मन पराए अपनी किरत दे अंदर जुड़दा है जिवें मगन हो के अपना कारोबार करना है। ते कदी कोई ऐसा है जिहड़ा अपने धंधे दे विच घाटा खांदा होए? कोई है ऐसा जिहड़ा अपने कारोबार विच घाटा पाउंदा होए? नहीं। हर कोई इन्ना को मगन हो के तुरदा है ते अरदासां करदा बाबा मैनूं मुनाफा मिले मैं लाभ खटा। भाई साहिब कहिंदे ने सच इह है तू गुरु नूं दोष देना गुरु का कोई गुनाह नहीं। इत्थे तां तेरे मन नूं पुछ के वेख जिस भावना नाल दुनियावी कार विच मन जोड़ना है उस भावना नाल उस बिरती नाल मन नूं कदी गुरु चरणां विच बैठ के तू टिकाया है? इत्थे दी केवल तेरा चंदन पदार्थां दा रहिंदा है। भाई साहिब दा वचन आंदा है भाई साहिब कहिंदे ने जैसे मन धावै पर धन तन दुख ना मैं। जिवें कहिंदे ने मन दौड़दा है पुराए तन ते दुख ना अंदर तेरा सुभाव बन गया है। जैसे मन धावै पर तन तन दुख ना मैं। सतगुर शरण गुर सतगुर शरण साध संग ना ठहरावई। इस तरीके दे नाल मन तेरा कदी गुरु दी शरण विच आ के संगत विच बैठ के टिके उत्थे फिर कदी पढ़ो भाई बाबा कबीर जी दीआं पंक्तियां। बाबा जी कहिंदे ने कबीर साचा सतगुर क्या करै सतगुर जागता है देव। कबीर साचा सतगुर क्या करै जो सिखा मैं चूक अंधा एक ना लागे। तो मतलब गुरु ते दया करदा है गुरु कृपालु दयालु है। मेरे गुरु अर्जुन साहिब कहिंदे ने सतगुर होए दयाल तां श्रद्धा पूरी है। इहदा मतलब गुरु दयालु गुरु
ने दया की जिन्हों से दया हुई उन्होंने बारे बचन मेरे शायद कृपालू जी दियां पंक्तियां पढ़ी दिया ने कि भूले मारक जिन्हें बताया ऐसा गुर वड भागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे बस रगे फिर गुर करन प्यारे क्योंकि गुरु ने तेन बंधना तो मुक्त कर दिता है। भाई साहब कहते हैं जैसे मन धावे पर तन तन दुख ना मैं सतगुरु शरण साध संग ना ठहरावे जैसे मन लागे पर दीन कीलता मैं किन्ने जिवें मन तेरा पराए दी चाकरी अंदर सिखदार चौधरी दे ओदे चरण परसन विच जुड़दा है किते कहना भी ओदे घर अंदर मेरी कदा बन दे मेरी सुन लै पर मेरे गुरु रामदास कहिंदे ने जे गुरु दी दया लैनी आ फिर तेज किसे आन दी ना रखी जे सतगुरु की दयालता लैनी आ ते आवी दर दर की खात्मा छंडदा करी क्योंकि गुरु रामदास नूं पुछ के वेखियो किन्ने ने खमारा तड़ा हर रहा समाही पहलियां पंक्तियां उन्होंने किसी तड़ा किया सरदार चौधरी नाल अपने सुनाई भाई गुरदास कहते ने जैसे मन लागे पर दीन कीलता मैं पराए की चाकरी करन विच वी मन जुड़दा है पर गुरु रामदास कहते नहीं हर किसी नूं तड़ा होएगा मान होएगा किसी ते पर मैनू भरोसा केवल अपने पूरे गुरु ते है। भाई गुरु ग्रंथ साहिब दीआं पंक्तियां मेरे तन गुरु रामदास कहते ने किसकी धड़ा किया सिखदार चौधरी पर कादे दी धड़ा बना के बैठे ने नाल अपने सिवाई पुछिए गुरु रामदास तुहानू किसे ते मान किसे ते धड़ा है ते गुरु रामदास कहते ने तुम्हारा धड़ा हर रहा समाई हम हरसों धड़ा किया मेरी हर के मैं हर दिन पक धड़ा अवर ना कोई हाँ हर दिन गाव असंत अनेक मैनू किसे दूजे ते ओदे तो बिना मान है तड़ा किसे ते है नहीं। भाई गुरदास कहते ने तीसरा वचन आंदा है भाई गुरदास कहते ने जैसे मन किरत बिरत मैं मगन होए जिवें तेरा धंधे दे अंदर दुनियावी कार विच मन मगन हुंदा है ना जैसे मन किरत बिरत मैं मगन होए सतगुर सेवा कैसे ना चारावई इन्हने बस मन इन्ना कु लोभी बन बैठा है गुरु की चरण विच भी आना है उथे की लालच अखीरली पंक्ति उन्होंने तमे की बात कर दी तू कहना मन नहीं जुड़ता ते भाई सुरदास जी कहते ने तैसे कुकर जो चोट काट चाकी चक दे को फिर जाके मिट्टी ला गया ता ही पाछा धावई इन्हें एक लालची कुत्ते की तरह बूती कर कढ़ के दर दर की चक्की चकदा फिरना ते बाबा कबीर जी नहीं कहिंदे ओ कहिंदे ने सुन कै कि जैसी तेरी चाल तेरी पूंछ च ऊपर चमक बल तू कहिंदा गुरु दया नहीं करदा बाबा जी कहिंदे ने सुन कै कि जैसी तेरी चाल तेरी पूंछ च ऊपर चमक बल इहदे विच पंक्ति आउंदी है इस घर मैं है सो तू ढूंढ खाए जो दाते